नमस्कार दोस्तों, आज इवनिंग में ये डॉलर रुपए के एनालिसिस कर रहा हूँ कि थ्रू द डे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एक्सक्लूसिवली विथ रेस्पेक्ट टू डॉलर रुपए। हमारे इंडियन मार्केट में इट ओपेंड एट 81.75, ट्रेडेड हाई ऑफ 81.82, लो ऑफ 81.51 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 81.5750। लेकिन ग्लोबल मार्केट में ये एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, हाई आपका 81.81 एंड लो ऑफ 81.50 एंड करेंटली एट 81.5750। सो ये हमारा डेली चार्ट है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया था एंड RSI टर्म्स में देखेंगे कि ये आपका RSI टर्म्स में ये डेली RSI एट 31.92 काफ़ी नीचे, बिलो 40 काफ़ी नीचे आ चुका है। एक नज़र वीकली में भी डाल देते हैं। वीकली में भी आप अभी है 54.81। जैसे कि हमारा एनालिसिस है, वीकली चार्ट में एक आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड सेटअप है जिसको वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस भी कहते हैं, जिसके हिसाब से ये 80.50 तक आना चाहिए। और मंथली में देखेंगे, मंथली में RSI एट 67.4। अगर पिछले चार कैंडल देखेंगे, मंथली कैंडल्स फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड करेंट जनवरी, अक्टूबर में एक सुपर बुलिश कैंडल था, नवंबर में एक सुपर बेयरिश कैंडल था, दिसंबर में एक सुपर बुलिश कैंडल एंड करेंटली एक सुपर बेयरिश कैंडल। सो ये जो चार बैक टू बैक कैंडल्स है, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स यानी बायर्स एंड सेलर्स का एक घमासान चल रहा है। और ओवरऑल जो रेंज बनाया है, आपका हाई है आपका 83.29 और लो बनाया हुआ है आपका 80.48। इसके बीच में बायर्स एंड सेलर्स का एक घमासान है। सो प्राइस के हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद मंथली टाइम फ्रेम में एक धमाकेदार मूव हो सकता है। अभी ये धमाका किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, देन वी नीड टू सी। अभी आते हैं आपका आवरली चार्ट पे, जहां पे इसका थोड़ा सा प्राइस सेक्शन हम देखने का प्रयास करेंगे। प्राइस सेक्शन के हिसाब से आपका दिन स्टार्ट हुआ यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, जहां पे प्राइस रिजेक्शंस लोअर लेवल पे देखा गया है। उसके बाद थ्रू आउट द डे जो प्राइस एक्शन है, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग वाला जो 8:30 वाला कैंडल यहां पे दिखा रहा है, उस मदर कैंडल के रेंज के ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर में एंटायर प्राइस एक्शंस देखा गया है। व्हाट इट मींस, यहां पे प्राइस थोड़ा सा डिस्कवर, खुद को डिस्कवर करने का प्रयास कर रहा है। व्हाट इट मींस, यहां पे बायर्स एंड सेलर्स आर गेटिंग मींस वेरी कॉशियस। बायर्स सेलर्स को ढूंढ रहे एंड सेलर्स बायर्स को ढूंढ रहे, कहीं एक इनविजिबल हैंड आके बाय ना कर ले। एंड उसके लिए ये एक मींस आप एक लिमिटेड रेंज के अंदर में 81.81 एंड 81.50 के बीच में 30-31 पैसा के रेंज में ही थ्रू आउट द डे प्राइस एक्शंस हो चुका है। तो अभी फर्दर हम यहाँ पे इसको ड्रिल डाउन करने का कोशिश करेंगे। ये है आपका करेंसी फ्यूचर जनवरी एक्सपायरी, और आपका आज जो प्राइस एक्शंस चालू हुआ है फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक बेयरिश कैंडल था, उसके बाद कंसोलिडेशन था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मोमेंटम यहाँ पे नहीं था, बिकॉज यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे को ढूंढ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लेके जाने का प्रयास करेंगे, तो आप देखोगे कि सेल ऑप्टिक्स जो हम बता रहे थे कि इमीडिएटली सेल नहीं करना है, अगर आपको इंट्राडे में खेलना है तो शॉर्ट टर्म में maybe in 5 minutes, maybe in 10 minutes or maybe in 15 minutes depending on your jo comfort hai wahan pe sell optics, jaise optic aaya aapka uske baad sell karna hai, kab tak karna hai, jab tak ye jo do moving average hai, ye hai aapka 66 aur ye hai aapka 34 moving average, simple moving average,
ये बाइंग में हम कब देखेंगे, जब उल्टा हो जाएगा, आपका 34 ऊपर चला जाएगा एंड 66 नीचे आ जाएगा, देन वी विल लुक फॉर योर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो अभी के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन डिफरेंट टाइम्स के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा इसको हम 5 मिनट की जगह पे 15 मिनट में बोलिंजर आपका मूविंग एवरेज का अगर लोकेशंस देखेंगे तो क्लियर कट सेलिंग मोटो है, सेल ऑप्टिक्स एंड सेल ऑप्टिक्स। उसके बाद अगर हम इसको आवर्ली में देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर भी आपका जो 66 मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है वो ऊपर है एंड 34 नीचे है, दैट बीइंग द केस वी शुड लुक फॉर ऑप्टिक एंड फॉर सेलिंग पर्पस। तो आवर्ली पे जैसे कि आपका प्राइस ऊपर अगर आने वाले दिनों में आता है उसके बाद सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं, ये एक हो सकता है आपका, नहीं तो फिर दोबारा 15 मिनट पे अगर हम आएंगे तो यहां पर भी कल अगर थोड़ा सा ऊपर के लेवल में मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं एंड उसके ऊपर हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। ये हो गया डॉलर रुपए का। अभी आते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर यहाँ पे 15 मिनट है, 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे इस रेंज से हमारा जो प्राय से सेल ऑप्टिक्स ही होगा। तो कल भी अगर हम देखेंगे हम सेल ऑप्टिक्स के लिए यूरो आईएनआर पे 15 मिनट हो या 5 मिनट हो हम सेल ऑप्टिक्स के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर हम जीबीपी आईएनआर पे देखते हैं, सिमिलरली आप देखोगे कि इस लेवल से एक सेलिंग इंडिकेशन से, दैट डजंट मीन कि कहीं पर भी हम सेल कर देंगे, नो, हमें एक ऑप्टिक चाहिए। आप देखोगे यहाँ से फिर ऑप्टिक गया फिर नीचे आया, सो हमें समवेयर हियर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिला होगा, तो वहां पे कुछ सर्टेन प्रॉफिट बुकिंग आपको अपॉर्चुनिटीज मिला होगा। जेपीवाई आईएनआर सिमिलरली ये है। सो ऑल दीज करेंसी पेयर्स में हमें सेल ऑप्टिक्स का ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है टिल इस टाइप का सेटअप हो, 66 सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर है एंड 34 सिंपल मूविंग एवरेज नीचे है, तो हम उस हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। कल आपका थर्सडे का, सो 15 मिनट में छोटा छोटा आप ऑप्टिक में हम छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड आवरली पे एक अच्छा खासा हमें ऑप्टिक मिल सकता है। जैसे कि हमारा ये एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, क्या है ये आपका 82.30 फॉर योर जनवरी एक्सपायरी। सो कुछ कारणवश अगर ये यहाँ पे ऑप्टिक मारने के बाद हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ पे हमें एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है विथ लेसर रिस्क टू रिवर्ड। अगर हम 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट पे भी सिमिलरली ऑप्टिक में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अगर हम 5 मिनट में ढूंढेंगे 5 मिनट में भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। कहने का मतलब व्हाई आई एम शोइंग द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, रीजन कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम में करेगा, कोई 15 मिनट में करेगा, कोई चाहे तो 10 मिनट में भी कर सकता है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो इस जब तक ये मूविंग एवरेज 66 ऊपर रहेगा एंड 34 नीचे रहेगा तब तक हमें सेल ऑप्टिक्स के लिए ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। जैसे ही ये आपका साइड चेंज करेगा मीन्स समथिंग लाइक दिस तो हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे समथिंग लाइक दिस, वहां पे आप प्राइस एक्शंस यूज लगा कर सकते हो समथिंग लाइक दिस, जहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। आप यहां पे देखो, बेसिकली आप बोलोगे अरे देखने के लिए तो बहुत आसान है, मैं यहां पे ट्रेडिंग कॉल्स नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पे आपका इंडिकेशंस दे रहा हूं। इस टाइप का अगर सेटअप होगा तो हमें बाई डिप्स करके लॉन्ग साइड से खेलना है। अगर आपका
इस टाइप का इंडिकेशंस होगा लाइक दिस, तो हमें सेलिंग के लिए मौका ढूंढना है। यानी यहाँ पे अगर इस टाइप का अपॉर्चुनिटीज है तो आपको सिर्फ लॉन्ग साइड से नहीं शॉर्ट साइड से ही खेल के आपको प्रॉफिटेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। इस टाइप का अगर आपका सेटअप होगा तो आपको बाई साइड से ही खेलना चाहिए, ना कि सेल साइड से खेलना चाहिए। इस स्टेप में भी सिमिलरली समथिंग लाइक दिस व्हाट आई वांट टू मीन। अभी जैसे यूरो आईएनआर से सपोज अवार्डली देख लेते हैं। अभी आप अवार्डली पे देखोगे काफी वॉलिटिलिटी है करेंट लेवल पे, लेकिन यहाँ पे आपका 66 अबव है, 34 नीचे है। और एक है 5EA में, जो मैं सब्सिक्वेंटली डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, इस 5EMA को कैसे ट्रेड में हम ले सकते हैं, आई विल डिस्क्लोज द स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आप देखो बेसिकली इस लेवल से ये जो जोन है, यहाँ पे मेरे को बाय साइड से नहीं खेलना है। मेरे को अगर सेलिंग में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे, नहीं तो चुपचाप प्राइस एक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे आते हैं, सपोज दिस एक्शंस, ये मैं आपको पोस्टमार्टम दिखा रहा हूँ, पोस्टमार्टम में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्या मैं बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस रेंज में जब इस टाइप का 66 मूविंग एवरेज नीचे होगा, 34 मूविंग एवरेज ऊपर होगा, तो हमें, मैं पर्सनली बाई साइड से खेलना चाहता हूँ। यानी आपका जो डिसीशन मेकिंग है यहाँ से, आपको थोड़ा सा डिसीशन मेकिंग 50% फिल्टर आउट हो जाता है। यानी सेलिंग मिलेगा तो नहीं लेना है, सेलिंग मिलेगा तो शायद कोई सेल करके, यहाँ पे सेल करके देखिए समथिंग लाइक दिस, 84 में सेल करके, 86.84 में सेल करके 86.50, यानी 30 पॉइंट्स का ले सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो उनका अगर सिस्टम अलाउ करता है तो यहाँ पे सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन ये सेटअप में क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी दे देता है कि मेरे को बाई साइड से ही खेलना है, ना कि सेल साइड से खेलना है। सो यहाँ पे आपका डिसीशन मेकिंग काफ़ी सिंपलर हो जाता है। आप यहाँ पे देखोगे इस रेंज में भी आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, इस लेवल पे आपको सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, एंड सो ये हो गया आपका यूरो आईएनआर। तभी लेते हैं हम GBP आईएनआर, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं। आवर्ली पे आप देखो, आवर्ली पे फ्रॉम दिस पॉइंट सेल ऑप्टिक्स ही आपका, आप अगर सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे तो आपको मींस फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हो, शायद बाई करके भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आई एम नॉट टेलिंग दैट नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका एक 50% डिसीशंस आपने सिंप्लीफाई कर दिया कि मेरे को सेल साइड से ही खेलना है। सिमिलरली आप अगर इस रेंज में हो, इस रेंज में, तो आपको बाई साइड का बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। अभी आता है JPY INR, इसको भी आवर्ली बना लेते हैं। तो करेंटली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, उससे पहले आपको नॉनस्टॉप बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिया था। छोटा सा अगर स्क्वीज करेंगे आप देखोगे फ्रॉम दिस लेवल, ये लेवल के बाद अप टू दिस लेवल, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो ये करेंसी फ्यूचर में कैसे ट्रेड किया जाता है, मैं आई एम प्लानिंग टू मीन्स ब्रिंग द वीडियो ऑन ए रेगुलर एंड डेली बेसिस, हाउ आई लुक एट द मार्केट, मार्केट को कैसे देखना चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव से, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। जिन जिन को मेरा वेज ऑफ एनालिसिस अच्छा लगे उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली मेरा वीडियोज देखते रहें, तो आपको काफ़ी कुछ स्ट्रेटेजीज जो है आपको मिलता रहेगा। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, विशिंग यू ऑल ए नाइस रिलैक्सेशन फॉर टुनाइट, एंड कल सुबह फिर दोबारा हम
नई एनर्जी के साथ मार्केट को फेस करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।